आम का छंदा बनाने के लिए मैंने 6 मीडियम साइज के कच्चे आम लिए हुए हैं। चलिए अब उनको पील कर लेते हैं और कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने कच्चे आम को कद्दूकस कर लिया। चलिए अब हम इसको कुक कर लेते हैं। चलिए अब हम एक पैन में कद्दूकस किए हुए आम को डाल देते हैं और इसके साथ ही हम डालेंगे 1/3 कप चीनी डाल देते हैं। इसको अच्छे से हम चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसको हम इस तरीके से कुक करेंगे। चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक सॉल्ट, मैंने 1/2 teaspoon ब्लैक सॉल्ट डाला है, और 1/2 teaspoon हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, और 1 teaspoon हम डालेंगे भुना हुआ जीरा। और हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेंगे। अब हमारा जो आम का छंदा बन रहा है वो इसमें सारे मसालों में बहुत ही अच्छा बैलेंस बन करके तैयार हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर डाला है, तो इसका लाल मिर्च का तीखापन और भुना हुआ जीरा, तो इससे वहाँ जो आम के छंदा में जो स्वाद आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। और मैंने डाला है काला नमक, इससे हल्का सा हमारा खट्टा मीठा तीखा तीनों ही तरीके से हमारे इसमें आम के छंदा में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। अब इसको धीरे धीरे इस तरीके से लो फ्लेम पे कुक करते रहेंगे। ये देखिए हमारा आम का छंदा बनकर के तैयार है। इसको पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगा हुआ है। चलिए अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। इसको ठंडा होने के बाद ही हम इसको सर्व करेंगे। इस प्रकार हमारा खट्टा मीठा आम का छुंदा बनकर के तैयार है। आप इसको अपने अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।